आज आने वाले हैं हमारे घर बहुत सारे गेस्ट, मतलब मेरा पूरा ददियाल आने वाला है। तो मैं भी जाकर आपको दिखाती हूँ कि घर में बन क्या क्या रहा है। ओए ओए ओए, दो तीन अभी यहाँ पे डलने लगा है, फुल रश। सारे गेस्ट आ चुके हैं। अच्छा पापा शाहिद कपूर नहीं लग रहे गाइस, वो वाले पापा जी कह रहे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैंने भी नहीं। ओए होए होए, चश्मे बदूर चच्ची से ईदी। ओके हाय हाय, किकरा को इतनी मिली। Welcome to Sistrology. This is me, Croc Cover. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. As you know, के आज है जी ईद का दूसरा दिन और आज आने वाले हैं हमारे घर बहुत सारे गेस्ट, मतलब मेरा पूरा ददियाल आने वाला है। तो आज हमारे घर बड़ी मस्तियां होने वाली हैं, मौजें होने वाली हैं। अभी सारी बहनों ने तैयार होना है, सब चीजें होनी है, लेकिन जो एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक पूरे महीने की जो मैंने स्ट्रीक थी ना, वो मेरी माशाल्लाह 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 वो मैंने कम्प्लीट कर ली है और मुझे उस चीज की बहुत खुशी है। चैनल अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट उसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और 3 मिलियन की रेस में शामिल भी कर दे। तो अभी मैं हूँ किचन में, बट माय मॉम इज नॉट हियर। मम्मी नाश्ता। ओ तो हमारा नाश्ता ऑलरेडी, पराठे भी हैं और ये कल मेरी मम्मा ने जो बड़ा मजेदार मटन बनाया था, आज हम खाने वाले हैं वो मटन। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद हम करते हैं अपने दिन का आगाज। लेट्स गो। सो गाइस, ये तो लड़की, मैं अभी तैयार नहीं हुई, मैंने सिर्फ मेकअप किया, लेकिन ये लड़की की फुल लुक देख ले। अच्छा इसके साथ कोई कलरफुल सा दुपट्टा पकड़ो, क्योंकि पीछे जो टसल है ना, दिखाओ, ये टसल है भाई पर्पल कलर के। हाँ जी, पर्पल कलर का, ठीक है। मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरा ड्रेस अभी तक मानो नीचे से लेके आएगी, ठीक है। तो इधर देखें जी, ये भी एक लड़की जो है वो यहाँ पे तैयार होने में मसरूफ है। मेरा रियल लेंथ इतना पहले इसके साथ का मिल नहीं रहा मुझे, इसके साथ का नहीं मिल रहा जो चीज पे। हाँ ऐसा लग रहा है तुम्हारी माई हूँ, पहले फुल तैयार हो जाओ फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। हाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मैंने जो आज ड्रेस पहना, मेरा भी यही दिल कर रहा है कि मैं भी ईद पे वही पहन लेती, लेकिन अभी मैंने लोगों को मॉडर्न कटा ही, आपको तो अभी मैं दिखाऊंगी, अभी मैंने दिखाया ही नहीं है लोगों को। तुम क्या ढूंढ रहे हो, बस पहले वो ढूंढ यार, मेरे भी कुछ इयररिंग्स खो गए, मैं अभी ढूंढ लूं। लटका झूले लेना था तुम्हारी, इसके साथ बटन दो मेरी किस्म में, पहले बोर्ड में गोप में सारे लोग मेरी पिक्चर्स के लिए कमेंट कर रहे हैं, गोबर गोबर। सो गाइस, दिस इज माय फुल लुक। नाइस कॉट कॉट, पानी रहेगा, बकरे की पूछल लग रही। चल निकल तू बकरा, मैं तेरी पूछल। अब बता, इतनी लंबी हील पहनी है गाइस, को मेरी हील दिखाओ। ओह अल्लाह, पैर पे मेरे पता नहीं क्यों मेहंदी लगी हुई फजूल में, मानो के प्यार में। क्या हुआ राबिया के गरारे पे कॉकरोच लटका हुआ झूले ले रहा था। राबिया के कॉकरोच भी लगते हैं राबिया को, पता नहीं क्या हो रहा है तुम्हारे साथ राबिया। नजर को नजर लगती है ये पूरी, ये खूबसूरती ब्लॉग में नजर आ जाएगा आपको, इसकी खूबसूरती को क्या लगा भाई। ये मेहंदी की पूरी दुल्हन बन के खड़ी है और यहाँ पे मेरे साथ ही कभी पिक्चर बनाना, ठीक है ना अभी। ये दोनों तीनों हम तैयार हो गए हैं, बाकी घर पे कोई तैयार नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा हल्की 8 बजे जब तक धूप है, तब तक हम यहाँ पे अपना थोड़ा सा शूट वूट करेंगे। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि मेरी लुक कैसी लग रही थी, ठीक है। बाकी मेहमान आने वाले हैं घर पे, खाने छाने तैयार हो रहे हैं, तो मैं भी जाकर आपको दिखाती हूँ कि घर पे बन क्या क्या रहा है। ये मुझे किसी कोने पे आके मिली है यहाँ पे, ये देखे यहाँ इसका शूट हो रहा है, गाँव की मुटियार बन के बैठी हुई है खड़ी है। अगे सो अब यहाँ पे आपकी का शूट होने वाला है। मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, देख लिया मैंने, तुम जो देसी मुटियार बनी हुई थी ना। तब आप करने लगे हो। हाँ जी, बाकी भी कोई तैयार ही नहीं हुआ। यहाँ मेरा फोटो शूट हो रहा था और ये सारे बच्चे इतने से, 1 2 3 मतलब ये मुझे लग रहा है मैं किसी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे अपना फोटो शूट छोड़ के साथ पहले मैं पिक्चर बनाती हूँ, उसके बाद कुछ बोलना नहीं है आप लोगों ने। बहुत बड़ी बहन हूँ। अच्छा, सब मुझे बहुत प्यारे लगते हो। ईद मुबारक भाई, ये इसको स्पेशली क्योंकि इसकी वजह से सब सही, सब आप सब एक ही फैमिली के हो। नहीं, नहीं, मैं पहले कलेक्टिव चीज आया हूँ। अच्छा आप कहीं हो, आप कोई और फैमिली हो, ये कोई और फैमिली है। अब मैं जा रही हूँ घर, फिलहाल यहाँ देखे घर पे कोई तैयार नहीं है, लेकिन किचन में सब तैयारी हो रही है, मसाला वगैरह भुना जा चुका है। इनको देखो जरा, ये दोनों यहाँ पे, बाकी कोई तैयार हो ना हो, ये तैयार हुई है।
सबसे ज्यादा स्पीड में हो आजा छोड़ना ओए 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 थोड़ा सा आता है मैं प्यारी लग रही हूँ जी गाइस आज अच्छी हाँ नहीं प्यारी इतने भी अच्छी लग रही दोनों दिन प्यारी लग रही है मम्मी ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो आज आपने बनाया क्या ये टीवी तो बंद करते हैं यार चलें जी पापा भी आ चुके हैं रेडी होके पापा आपने ना पहली बार पहन देखा आपने नीला सूट पहना है हाँ नहीं लेकिन पापा ने तो सोफे से मैचिंग किया आपसे थोड़ी किया है ना सही कह रही हो ना भाई मम्मी और डैडी ने मैचिंग किया पता लगे मेरी अम्मा माइंड कर गई मुझे लगता है गेस्ट आ गए पापा जी ज़ैनब राबिया यार ये लोग ये बस नाचने पे इन्होंने जोर दिया है ज़ैनब डांटे इसको डांट पड़ती है तो मुझको मजो आता है आओ बर्तन लगाओ टेबल पे हाँ हमारे गेस्ट आ चुके हैं गाइस यहाँ पे ईद मुबारक बच्चियों को आपने सुलाया अस्सलाम वालेकुम बच्चे आ गए हैं अस्सलाम ईद मुबारक हमारे चाचा जी आ गए हैं ईद मिलो बाल खराब हो जाएंगे मुझसे मिलने आई हो आई सो क्यूट ये मेरे से मिलने आई ये मेरी चची की बहन की बेटी ये जो हमारी कजन है ना ये सो रही है इसका ड्रेस की इतना प्यारा लग ये गुड़िया सो रही है अभी पापा की सलवार की मुझे अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है ना पापा मेरे कितने भी फैन है उसका क्या नाम है नूर फातिमा चलो भाई नूर फातिमा ये जो आपकी एक अदद कजन है ना जारा इसका नाम जारा ये जारा मुझे आप सबके न्योते देने आई है आप सबकी चिट्ठियां दे रही है मुझे कि आप लोग वीडियो अगर बनाओ तो हमारा नाम लेना ठीक है तो नूर फातिमा स्पेशली आपका मैंने जारा के लिए नाम लिया ठीक है धीरा फैजल तुम्हारी फैन आई बैठी यहाँ पे मैंने कहा ये जारा एकदम से बड़ी है वेरी नाइस कुर्ती एक्चुअली मैं समझ गई हूँ सीक्रेट झूठों की नानी है ये पार्टी नंबर टू आ गई है अब यहाँ पे एक दो तीन अभी यहाँ पे डलने लगा है फुल रश मम्मी सारे गेस्ट आ चुके हैं मैडम अभी भी तैयार नहीं हो गया बाकी सब तैयार पता नहीं फातिमा बेचारी की नींद नहीं गाइस पूरी बेचारी बड़ी स्ट्रेस में है फाइनल ये देखो जरा मेहमान बाहर इंतजार कर रहे हैं खाने टेस्ट कर रही है दोनों ओए होए होए गाइस ये कितनी ये बिरयानी बनाई है थोड़ी मेहनत मशक्कत करके इस लड़की ने नहीं नहीं बल्कि यार मम्मा बहुत टेस्टी लग रही है आज 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 तुम भी खाई जा रही हो ये अजीब ड्रामा है आपसे चखने चावल खा लिए तो तेरे बाप का क्या जाता है रे मेरे ही बाप के खान मेरे बाप क्योंकि तेरा बाप है इसलिए जाता है तो तेरे बाप का क्या जाता है रे क्योंकि जब तेरे बाप पे जाएगा तो मेरे का तो ऑटोमेटिकली जाएगा ना यार क्या था आगे से पीछे हो जो ओके मम्मी मम्मी ओके ओके ट्रे में लगा गया इसमें डालने लगी ट्रे में डाल के आपको दिखाती हूँ क्योंकि ना अभी मैं कैमरा यूज कैमरा इसलिए बंद करी क्योंकि ट्रे में नहीं डाली बकवास करिए बिल्कुल इसकी बातों पे यकीन मत करें प्लीज ये बड़े काम करती है बातें ना किया हाँ देखा अच्छा रखे सारा खाना एक तरफ और ये रायता एक तरफ हाँ ये रायता बहुत टेस्टी है ये पापा ने स्पेशल अपने हाथ से बनाया है अच्छा पापा शाहिद कपूर नहीं लग रहा वो वाले देखना पापा भी हल्का सा स्टेप करके दिखाएंगे जो मैं फोर्स कर रही हूँ उनको पापा जी कह रहे हैं मम्मा बुला रही झूठ बोल रही पापा ये खड़े तुम कह रही पापा बुला रहे पापा पैर से क्या नाचो नाचो कर रहे हैं ये देखें गाइस दूसरा यम तैयार हो गया ओए 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 ये आ गई अभी ये कैटो सो रही थी और ये कैको कैको उठ गई है दोनों मैचिंग ट्विन सिस्टर्स हाँ निकलो आज जाना बच्चियाँ सबकी अच्छी होती है बस उनसे काम लेना आना चाहिए हाँ मेहमान अभी बैठे नहीं पहले पहुँच गई है इसके तो ऊपर मैं पूछती हूँ डोंट टच चम्मच ये बदतमीजी होती है कोई बात नहीं मैं बदतमीज मेरी आदत खराब मुझे दे ये ठंडा गर्म कोई बात नहीं खाने के बर्तन लगाए नहीं और इसको अपनी पड़ गई है देखो जरा तैयार होते हुए
बदतमीज खाना पहले खाना बाद। ओह माय गॉड। सो ये रोज से बनाई, झूठ बोल रही हूं, पापा ने बनाई, ये पापा ने बनाए हैं चरगा आज का। लेकिन मैं आपको रेसिपी नहीं दिखा सकती क्योंकि उस वक्त मैं तैयार हो रही थी और अपना फोटोशूट कर रही थी और पापा अंदर चरगे बना रहे थे। So this is our सारा टेबल मैंने अकेली ने सेट। बकवास कर रही है, ये दो इसने रखी हुई है असिस्टेंट पास में, बकवास कर रही, बकवास ऑफ द डे। मैंने मामा के साथ राइस भी बनाए, आई प्रोमिस, आई शपथ मैंने बनाए, बकवास प्रोमिस। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, मैंने नहीं बनाया। क्या चावल मैंने बनाए? अपने कफन दमन की तैयारी हो, चलो मेहरबानी करो अपने कफन दमन की तैयारी। आप तंग करती है, मैं सब पका लेती हूँ, भैंस लाग रही साथ कर। सॉरी, आप जाके खाना खाएं भूखी। सारा मसाला भुना उसने और चावल मैंने डाले थे। अच्छा अच्छा, ये जो क्रेडिट ले गई, ये पीछे से सारी पट्टी पढ़ा दी है। नहीं, ये गिफ्टों की दुकान है। शपथ कहा है, मतलब मैं झूठ नहीं। शपथ, ये कौन सी आई में रहती है तुम? यार टाइम दिखा देगी बना। आज कई लग रही है। यस, आप हैं हसीन, जमील, शकील, मुनीर और छीनने लग। और देखो हसीन, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हसीन, जमील, शकील, मुनीर, अब मैं कहूँगी आगे आप ही। This is my plate and this is our daku, जो कि मेरी प्लेट में से लिविंग आए। मुझे और पापा को यहाँ जगह मिली है, बाकी सबको वहाँ जगह मिली है। वो सब लोग वहाँ बैठ के डिनर कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे। लेकिन मेरे ऑलिव सारे गायब हो गए क्योंकि वो पापा ने खा। चलो फातिमा की बारी है, सबको ईद मिली है। मैं शुभ पूछी थी फातिमा से कहाँ से, मैंने कहा चाहिए उस ब्रांड के ना, कहती हाँ उस ब्रांड के मेरे हैं। मैच देखो कितने परफेक्ट हो रहे हैं। चलो इसका फोटो सेशन यहाँ स्टार्ट है। क्या है रबे, ये तो रमजान खत्म हुआ है। मेरी हर पिक्चर में सब कमेंट कर रहे हैं, राबिया ये पिक्चर लिए, इस पिक्चर में पाँव नहीं आ रहे, गोबर वाले पाँव। मैंने लगा डाली है नंगे पैरों पे अंगार, लोग कह रहे हैं सूट में कांटे, पाँव में गोबर, सारे नंगे पैरों पे गोबर अंगारे, गाय के अंगारे निकाल रहे हैं लोग। अब हो गया यहाँ पे फोटो सेशन। मुझे नहीं पता चला था। आपका क्या रोना है? मेरी पांचों बहनों के साथ में। अच्छा, पांचों बहनों को घर में तुम पूछो ना, पांचों बहनों के साथ तुम फोटो बना बना के लगाई हो, तो ये काम है एथिकल रूल है। क्या इसके गाना सुने गाइस, नंगे पैरों पे अंगारे चलते रही। यार हमने अपनी चाची से ईदी लेनी, हमने देखा चाची के हाथ में बहुत पैसा है। चाची से ईदी, रिश्तेदार आओ तो ईदी। शक्ल तुम्हारी 500 वाली है, मांगे 5000। थैंक यू, वेयर इज माय, थैंक यू। हमने कहा है थैंक यू चाची, मानो चोर। इनको देखो रश डाल के सारी लड़कियां खड़ी हो गई। पापा ने तो दे दी हुई है ना सबको। ओ हमारे डैडी ने भी ईदी ले ली है अपने बहन के काकों को, फ्री मुझे ईद दो। चलो हमें किस चीज की थी जो दे दे यार, थोड़े से मिले दे दे। हाय हाय, बड़ा नोट, मोटा नोट, छोटा नोट, छोटे भाई को
वो बहन को बहनों को हक ज्यादा था। ओ माय गॉड डैडी रिच डैड बेस्ट डैड। दोनों की शक्लें देखो लालची आंखों की तरह इनको जो मिल चुकी है। दोनों बैठी ना चुड़ियां मार रही हैं ये बातें कर रही हैं। आपकी कजन आपसे जबरदस्ती की ईद मांग रही है और गलती से वो आपसे छोटी है, तो ना मेरे से बड़ा कोई कजन है ना मेरे से बड़ी कोई बहन है, तो सारा अत्याचार। ये 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 सबसे बड़ा नुकसान है। अब बारी है बल्ली चढ़ने की। आप भी मैं भी लाइन में लगी हुई हूँ। नहीं थी फातिमा ने तुझे। फातिमा ये मैं क्या सुन रही हूँ फातिमा इतनी थोड़ी राबिया ज्यादा छोटी हूँ। फातिमा ही मुझे दे दे तू ऐसा कर उसको दे। बच्चों को ईदी कम और बाहर जिठानियां ज्यादा मुझे ज्यादा पापा ने हाँ पापा गुड। ये ईदी है मेरी तरफ से काको को। थैंक यू बोला पापा को। कितनी मिली थैंक यू बोलो दोबारा से। ओ माय गॉड ईदी हमें सिर्फ रिश्तेदारों से नहीं मिली हमें फैंस की तरफ से भी मिलती है। तो अभी कुछ खजान आए थे जिन्होंने ईदी दी है यार खा जाऊंगी। मजे का केक है यार अभी खाते हैं। एक तो जो रिश्तेदारों से ईदी पर मिलती है मम्मा सबसे कटी ईद का है। मम्मा हाथ में है दो 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 दे देंगे ले। अभी और है मम्मा मम्मा नहीं यार मम्मा यार रिश्तेदारों की ईद क्यों ले लेती हो। गाइज मेरे हाथ से ईद निकल गई है मम्मा ये क्या बात यही काम मम्मियां करती हैं यार। अच्छा पापा ने मुझे पापा ने ईदी दी मम्मा ने वापस नहीं ली ये वाली सारी रिश्तेदारों की ईदी ले रही है। ईदी दो वापस ले दो मैं इसलिए छीनती हूँ इन्होंने अभी घुमा लेनी थी मैंने रखी जब जरूर तो ले लेना माँ के लिए। बच्चियाँ बच्चियाँ ही होती है अभी बड़ी नहीं आई तो ओके सेशन ये भूखी पहले तशरीफ ले आई है। चलें जी अब बनने लगी है पापा के हाथ की मजेदार टकाटक चाय। अब हम लोग चाय पियेंगे। सो गाइस गेस्ट वगैरह जा चुके थे आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग की ईद कैसी गुजरी ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा ये सब आप लोग ने कॉमेंट बॉक्स में बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे स्पेशली मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में। बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़।